आपका नाम? अदिति सिंह। कितने दिन से आप यहाँ तैयारी कर रही हैं मोशन में? मैं यहाँ पे 11th में आई थी मोशन में, और अभी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। अभी तक सारे सब्जेक्ट अच्छे से चल रहे हैं और डाउट फैकल्टी वगैरह भी अच्छी है। अच्छा, आप जब यहाँ आई थी तो आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और मोशन में आने के बाद केमिस्ट्री की कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी चल रही है। जो डाउट्स आते हैं वो डाउट क्वार्टर में सर बता देते हैं, और मॉड्यूल वगैरह भी अच्छे से डिस्कशन करवा रहे हैं। सेल्फ स्टडी भी करनी होती है तो उस वजह से ठीक है, अभी अच्छा, केमिस्ट्री बैलेंस है। में अक्सर सुनने मिलता है इसमें तीन सेगमेंट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो हमें ये बताएं, क्या तीनों में इक्वली सेटिस्फाइड है? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा एक्सेप्शन और याद करना होता है, तो और रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा होते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है। आप ये बताएं, यहाँ क्या टेस्ट सीरीज ये सब चलता है? हाँ, टेस्ट होते तो हैं। टेस्ट सीरीज से आपके तैयारी में क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत ही ऐसे इम्प्रूवमेंट हो जाता है हर वीक में। जब ऐसे 1 वीक के बाद जब टेस्ट होता है तो अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, तो पीछे के भी चैप्टर्स आते हैं 11th से रिलेटेड, तो उन सब का भी रिवीजन हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब थोड़ा इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? नियति नियति। कितने साल से आप यहाँ पढ़ाई कर रही हैं? 11th में आई थी तो 1.5 साल से, तो एक दो बात साल हो गए। बताइए, मोशन के अलावा और भी तो बहुत सारा कोचिंग है, मोशन में क्यों आए? वो स्टार्टिंग में उसके ऐसे वीडियोस वगैरह देखे थे, और फिर ऐसे कहीं सिलेक्शन से अच्छी सुना है। या नहीं, सेल्फ? हाँ, ऐसे ऑनलाइन वीडियोस देखे थे और ऐसे सिलेक्शन रेट ऐसे सुना था, अच्छा है यहाँ का सिलेक्शन काफ़ी होता है, तो तो उम्मीद है इसलिए आपका भी स्कोर अच्छा आएगा। आई होप सो। आप ये बताएं कि मोशन में 2 साल का सफर कैसा रहा? अभी चलना है ना, 5 महीने तो और पांच होगा, तो वो अच्छा रहा है। कि अभी आप बोर्ड की भी एग्जाम नहीं है, तो बोर्ड और ये कंपटीशन जेई की एडवांस दोनों में बैलेंस कैसे बना रहे हैं? बैलेंस एक्चुअली अभी बोर्ड्स की कर नहीं रही हूँ। सिलेबस तो सेम ही होता है ना, तो फिर बस वो लिखने का और वो सब करना होता है, तो वो आई गेस 9 दिसंबर से स्टार्ट करूँगी, तो वो तो हो ही जाएगा। तो फिर अभी ऐसे मेन फोकस जेई पे है, मेंस पर। बोर्ड्स के लिए उस टाइम पे कर लूँगी। अच्छा, यहाँ एक मशीन लगी हुई है सीपीएस। सीपीएस मशीन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ तक आपको हाँ, वो? वो काफ़ी हेल्पफुल है एक्चुअली। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउट्स वगैरह वो सारे क्लियर होते हैं, और सबसे ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव होता है वो। उसमें से क्वेश्चंस करने में, ये सब करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और लेके यहाँ डाउट करो। जितने भी फैकल्टीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे फैकल्टीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं। वो अगर ऐसा इंडिविजुअली बोलो तो केमिस्ट्री के क्या फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिविजुअली कोऑपरेट करते हैं आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, और अच्छे हैं काफ़ी। डाउट्स वगैरह में कभी ऐसा कुछ नहीं, हमेशा मतलब डाउट्स मिलते हैं। चलिए, एकदम अपडेट मिलता है डाउट आपको। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों के मंगल कामना करता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि भाई अगले साल आप लोगों के नाम पर भी ढोल बोले, ठीक है? और हम लोगों को भी थैंक मिठाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।